बिटकॉइन में निवेश करने वाले सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार इस आभासी मुद्रा के खिलाफ धन शोधन कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसमें 3 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट में आभासी मुद्राओं को गैर कानूनी बताए जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह सक्रियता दिखाई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा को लेकर पहले यह साफ नहीं था कि किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन इसे गैर कानूनी घोषित करने के साथ सरकार ने इसे धन शोधन कानून के दायरे में लाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हालांकि कुछ संशोधन वित्त विधेयक में शामिल किए गए हैं। इनमें आभासी मुद्रा से की गई कमाई देश के बाहर छिपाने पर मुकदमा चलाने का भी प्रस्ताव शामिल है। इस कानून में 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आभासी मुद्रा को गैर कानूनी घोषित करने से इसमें निवेश करने वालों के प्रति सरकार की जवाबदेही हर तरह से खत्म हो गई है। वहीं आभासी मुद्रा को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद बिटकॉइन की कीमतों में भारी कमी आई है। 18 दिसंबर को इस आभासी मुद्रा की कीमत $19,511 थी, जो 3 फरवरी को $8,498 रह गई। नोटबंदी के बाद भारत में इसमें तेजी से निवेश बढ़ रहा था। दुनिया में आभासी मुद्रा में होने वाले 10 लेनदेन में से एक भारत का था। गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद बिटकॉइन की कीमतें तेजी से नीचे गिरी हैं। बजट घोषणा के बाद इसका मूल्य $9,100 पर आ गया था। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और इंस्टाग्राम ने आभासी मुद्रा के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इससे हो रहे गैर कानूनी कारोबार से खुद की छवि पर पड़ने वाले असर से बचा जा सके।